हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म में। तो आज ऑडिटर का पेपर हुआ था जो कि जिसका एग्ज़ाम अगस्त में 21 अगस्त को कंडक्ट करवाया गया। रिज़ल्ट भी लास्ट मंथ ही आया और आज एग्ज़ाम हुआ मेंस का। तो ये GS पेपर वन का हम लोग देखते हैं। देखिए, ये जो वेस्टर्न एजुकेशन जो था, ये पहला क्वेश्चन था। इसका वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर डाले थे, आप लोग अगर उसे देखे हैं तो बहुत बढ़िया, और नहीं देखे तो आप उसे देख सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन था वो था डिस्क्राइब द इंट्रोडक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार। ठीक है, बिहार में पाश्चात्य शिक्षा के आरंभ और विकास का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक है। दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। बिहार का कंट्रीब्यूशन क्या है 1857 की विद्रोह में, तो उसका हम लोग को इसमें विवेचना करना था। ठीक है, ये सेकेंड क्वेश्चन था। इसका भी वीडियो हम कल अपलोड किए, आप चेक कर सकते हैं मेरे यूट्यूब प्लेलिस्ट में। फिर जो थर्ड क्वेश्चन है वो एग्जामिन द कॉजेस एंड रिजल्ट्स ऑफ बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा के मतलब बिरसा आंदोलन के मतलब कि यहाँ पे है कि एग्जामिन द कॉजेस एंड रिजल्ट्स ऑफ द बिरसा मूवमेंट है। ठीक है, सॉरी, बिरसा आंदोलन के कारणों एवं परिणामों का परीक्षण कीजिए। ये था कि इसका कॉज क्या क्या था और उसका रिजल्ट क्या क्या था। दो ही चीज़ पूछ रहा है, कॉज क्या था और उससे रिजल्ट क्या हुआ। रिजल्ट यही होता है कि बाद में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट आता है और उसके बाद ब्रिटिशर्स अब ज़्यादा ज़्यादा जो है वो ट्राइबल में इंटरफेयर नहीं करेंगे। कॉजेज़ बहुत सारे थे, जैसे रिलीजियस इंटरफेरेंस हो गया, क्रिश्चियन मिशनरी एक्सपेंड कर रहा था, फिर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था बहुत ज़्यादा जो ट्राइब्स थे उन लोगों का बाय मनी लैंडर्स, ये सब। फिर दीकूज का आना बहुत ज़्यादा हो गया था, इन्फ्यूज़न ऑफ द दीकूज इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये सब चीज़। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडरलाइन द पाथ पार्ट प्लेड बाय गांधी जी इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ये बहुत सही क्वेश्चन है जी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। मतलब कि आप यहाँ पे गांधी जी जो 1915 से आए, उसके बाद वो चंपारण में किए, अहमदाबाद में किए, उसके बाद खेड़ा रिवॉल्ट हुआ, ये सब होने के बाद नॉन कॉपरेशन, CDM, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सब कुछ आप अच्छे से बता सकते थे एक फ्लो चार्ट दे करके। ये क्वेश्चन बहुत शानदार था, बहुत अच्छे तरह से लिखा जा सकता था। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिन द फीचर्स ऑफ मौर्यन आर्ट। मौर्य काल की कला का मुख्य विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। ये था, ये भी इसका भी वीडियो है अपलोडेड इन द इन माई यूट्यूब चैनल, आप देख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन का वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। पहला था संथाल अपराइजिंग, दूसरा है चंपारण सत्याग्रह, फिर है रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर का भी वीडियो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, आप चेकआउट कर सकते हैं। फिर सेक्शन टू आता है, सेक्शन टू करेंट अफेयर। ये थोड़ा इस बार करेंट अफेयर अच्छा है, मतलब कि जाना हुआ करेंट अफेयर है। तो पहला जो क्वेश्चन है ये टाटा ग्रुप से है, जो कि एयर इंडिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाटा ग्रुप को एयर इंडिया को बेच दिया था। ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि वाई डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैंड ओवर एयर इंडिया टू द टाटा ग्रुप। ठीक है, व्हाट चेंजेस विल टेक प्लेस इन द वर्किंग ऑफ एयर इंडिया, कि क्या क्या चेंजेस होगा एयर इंडिया का वर्किंग में। तो हम लोग को पता है प्राइवेटाइजेशन आने से क्या क्या होता है। अगर आपको इसका आंसर नहीं भी आता है, देन ऑल्सो यू कैन मेक योर आंसर, यू कैन क्रिएट योर आंसर, पर ये तभी होगा जब आप टेस्ट सीरीज लगाते हो। ठीक है, तो ये है कि मतलब कि क्या क्या चेंजेस होगा वर्किंग ऑफ द एयर इंडिया में, तो ये क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे स्टैट्स है यहाँ पे। फिर है कि व्हाट डू यू नो अबाउट ऑपरेशन गंगा, हाउ वाज इट एग्जीक्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ऑपरेशन गंगा किस लिए किया गया था, तो यूक्रेन में जो लोग फंसे हुए थे, जो बच्चे वहाँ पे मेडिकल या फिर और भी पढ़ाई कर रहे थे, उन लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन गंगा लाया गया था। तो इसे कैसे एग्जीक्यूट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसके बारे में आपको लिखना था। और ऑपरेशन गंगा क्या है, तो इसमें आपको वही थोड़ा मोड़ा रशिया यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट के बारे में बताना है। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था डिस्कस अबाउट द की फीचर्स ऑफ द नेशनल एंटी डोपिंग बिल। ठीक है, थ्रो लाइट ऑन द इन्फोर्सिंग एजेंसी। तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी बिल के बारे में बताना था, इसमें की फीचर्स और कौन उसको इन्फोर्स कर रहा है उसके उस एजेंसी के बारे में भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ हैज़ रशिया यूक्रेन वॉर इम्पैक्टेड द ग्लोबल सप्लाई चेन, एक्सप्लेन इन डिटेल
तो ये क्वेश्चन बहुत ही क्या कह सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है रशिया यूक्रेन। तो फिर वो पूछा गया कि रशिया यूक्रेन का वॉर होने के कारण सप्लाई चेन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। सप्लाई चेन मतलब क्या, कि जो हम लोग को गुड्स मिलता है, जैसे कि बहुत सारा हम लोग का ऑयल जो था, ऑयल लेना बंद हो गया, बट हाँ हम लोग मतलब कि बहुत लोग हम लोग को बोला कि इंडिया को कि वी शुड स्टॉप परचेजिंग ऑयल फ्रॉम रशिया, बट स्टिल इंडिया कंटिन्यू टू परचेज। ठीक है, पर वहीं हम लोग देखे कि तो बहुत सारे चीज़ में मतलब रशिया यूक्रेन वॉर के कारण आने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ, मतलब कठिनाई हुई आने में। ठीक है, तो उसे आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज श्रीलंका मायर्ड इन अ डीप पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, फाइंड आउट रीजंस बिहाइंड दिस एंड सजेस्ट द रेमेडीज। कि की जो श्रीलंका है वो कैसा डीप पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस दोनों में जा फंसा, तो हम लोग को रीज़न बताना था और हम लोग को रेमेडीज़ देना था इसके लिए। तो ये भी बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। तो इसमें पॉलिटिकल क्राइसिस इसलिए क्योंकि वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर भी बदल रहा है, प्रेसिडेंट भी बदल रहा था, कुछ सही नहीं हो रहा था, इमरजेंसी लग गया था। इकोनॉमिक क्राइसिस इसलिए क्योंकि एक तरह से जो श्रीलंका था वो एकदम डेट ट्रैप में चला गया चाइना के कारण। ठीक है, और अपने कारण भी, क्योंकि वो तुरंत बोला कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर शिफ्ट करेंगे, फिर बोला कि हम बहुत सारा जो भी डेट था उसको माफ़ कर देंगे। जो उसका प्राइम मिनिस्टर आया था तो वो बोले थे कि भी मतलब अगर हम सत्ता में आते हैं देन वी विल टेक आउट सम चेंजेस, बहुत सारा टैक्स माफ़ हो जाएगा। तो ये सब चीज़ था। एक और कारण था कि टूरिज़्म की को टूरिज़म पे चाइना बहुत सॉरी श्रीलंका बहुत ज़्यादा निर्भर है, और COVID-19 होने के कारण, और एक क्राइस्ट वाला जो हुआ था ईस्टर संडे वाला क्राइसिस, ये दोनों के कारण ये लोग का श्रीलंका का टूरिज़्म सेक्टर बिल्कुल ही चौपट हो गया। ठीक है, तो ये सब भी इकोनॉमिक क्राइसिस में आते हैं। तो ये इसमें लिखना था, तो आपको इसमें से दोनों में से करंट अफेयर में 3 और हिस्ट्री में 3 क्वेश्चन बनाने थे। और बाकी यहाँ पे आपको स्टैट दिख रहा होगा, जो कि यहाँ स्टैट पूछा गया, एक लाइन ग्राफ पूछा गया यहाँ पे। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे बार ग्राफ दिया गया, इसका क्वेश्चन हम अपलोड कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। एक और अनाउंसमेंट था कि एक टेस्ट सीरीज कंडक्ट किया जा रहा है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वो ओनली एट 900 आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें टोटल 8 टेस्ट होगा, 4 सेक्शनल और 4 फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, ये टेस्ट 7 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, आप लोग इसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।